मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 बजे मंत्रालय में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। इसके अलावा मंत्रालय में हुई बैठक में सीएम मोहन यादव के जर्मनी और लंदन दौरे के दौरान मध्य प्रदेश में निवेश के लिए मिले 78,000 करोड़ को लेकर चर्चा हुई। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आने वाले समय में भोपाल के इन्वेस्टर मीट में यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के निवेशक इसमें शामिल होंगे। सीएम के विदेश दौरे से इस मंदी के दौर में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए 78,000 करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। उद्योग विभाग से संबंधित रियायतों और आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर भी मंत्रियों से विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही अनेकों महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर भी लगी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। औद्योगिकरण जब होता है उसके साथ रोजगार का सृजन होता है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों का प्रयास है। जहां प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, मेड इन इंडिया की बात की है, वैसे ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने पिछले दिनों लगातार संभागों में जाकर जो औद्योगिक वातावरण बनाया है उसका असर उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हो रही है, पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर कराए ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसमें कुल 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है, ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश का सफर रहा बहुत अच्छा रहा, बहुत सफलतापूर्वक हुआ और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे ज़्यादा हमें सफलता मिली है।